أحمد هو ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرًا من أهلي آمين آمين ترجمه سوره يونس रकू नंबर नौ आयत नंबर एटी थ्री का है ना तब फमा माना पस नहीं ईमान लाया लिमू सा वास्ते मूसा के इल्ला मगर जर्रियात मिनकाउ में ही कुछ औलाद या कुछ जवान कौम में से उसके अला ऊपर हौफिन किसी या एक खौफ के ताकि वो ना फिराउन से से वम और उसके सरदारों से होम ये के वो फितने में डालेगा उनको ये के वो आजमाएगा फितने में डालेगा उनको वा इन्ना और बेशक फिरओना फिरओन बड़ा चढ़ा था बड़ा हुआ था बुलंद रुतबे का था बढ़ा चढ़ा था फिल अर्जी जमीन में बीच जमीन के व इन्ना और बेशक वो लमिनलमुशरफीन अलबत्ता हद से बढ़ने वालों में से सीन रफा हद से बढ़ जाना लिमिट्स को क्रॉस कर जाना वूसा और कहा मूसा सलाम ने या कहू मी ए मेरी कौम तुम अगर हो तुम आमन तुम ईमान लाते हो तुम बिल्ला के वाले ही बस ऊपर उसके ही के जमीर अल्लाह सोल ता की तरफ है तो तुम तवक्ल करो तुम भरोसा कर तुम मुस्लिमीन अगर हो तुम मुस्लिम फरबा बरदार फू बस उन्होंने कहा अल्लापर अल्लाह के भरोसा करते हैं हम ऊपर अल्लाह के भरोसा किया है हमने वाओ काफलाम हमारे रब ला तला ना तू बनाना हमको जीम आम फितन एक फितना एक आजमाइश लिलकाऊ में ज़ोलिमीन वास्ते या लिए ज़ालिम लिये व नीना और तू निजात दे हमको बचा ले हमको निजात दे हमको बिरोहमति का साथ तेरी रहमत के मिनल काऊ मिल्का फिरिन काफिर कौम से व औ हना इला मूसा और वही की हमने और वही की हमने तरफ मूसा सलाम के व अही ही और उसके भाई के अंतब ये के तू ठिकाना बना ले ये के तुम आबाद कर लो तुम ठिकाना बना लो बाओ हमजा तुम ठिकाना बना लो तुम मुकर कर लो तुम आबाद कर लो लिखाओ में कुमा वास्ते तुम दोनों की कौम के बेम सुरॉ सात मिस्र में शुहर में बुयूतन एक घर या कोई घर वहां जा लो और तुम बना लो तकुम बैत की जमा घरों को तुम्हारे और तुम बना लो घरों को तुम्हारे कबला तन एक किबला वो अकीमोसला और कायम करो नमाज वह बशर मिन और खुशखबरी दे दो ईमान लाने वालों को वमूसा वा और कहा मूसा ने रबाना हमारे रब इका इन्ना का बेशक आप आता आपने दिया है तूने दिया है फिराउना फिरा को वमला अहू और उसके सरदारों को जीनतन जीनत ठाट भाट शान जीनत व अम्वालन और माल फिलहया ति दुनिया दुनिया की जिंदगी में पाना ए हमारे रब रही जो इल्लून ताकि वो गुमराह करें जो लाम लाम ताकि वो गुमराह करें ताकि वो भटका देते निस अलाम ए हमारे रब तू बर्बाद कर दे तो मीम सीन किसी चीज को मस्क कर देना तबाह कर देना हलाक कर देना डिमोलिश कर देना खत्म कर देना वशा मगर हम चाहें तो हम उनकी आंखों को मूंद के रख हैं। रब तमस ऐ ए हमारे रब तू मिटा दे तू तबाही डाल दे तू बर्बाद कर दे अला अम्बाल ऊपर उनके मालों के वाश दो डाल दे तू सख्त कर दे तू शदीत कर दे ऊपर उनके दिलों के और बा हमरा में मतलब होगा तू सख्त गिरा लगा देना मैनूपस नाम वो ईमान लाए हता यहां तक के याउल अज़ाबल अलीम वो देख रो रमजा या वो देख लें अजाब दर्दनाकला फरमाया कौद यकीनन उजीबद ना तो कुमां कबूल कर ली गई सुन ली गई जवाब दे दिया गया कबूल कर ली गई सुन ली गई पुकार या दुआ कुमा तुम दोनों की फस्तामा बस तुम दोनों कायम रहो साबित कदम रहो, वला और ना तुम दोनों करो बस तुम दोनों साबित कदम रहो तुम दोनों जमे रहो खड़े रहो टिके रहो और ना तुम दोनों पैरवी करो सबीना रास्ते की उन लोगों के जो नहीं वो जानते वजावजना और पार गुजार दिया हमने अबूर करा दिया गुजार दिया पार लगा दिया ना हमने बिबनी बनीला साथ बनी इसराइल को अलबाहरा समुंदर से पसपीछा किया उनका ता बाइिन पसपीछा किया उनका फिर फिर ने व हो जुंद कहते हैं ग्रो को ग्रुप को लश्कर को जनूद उसकी जमा है और लश्करों ने उसके पसपीछा किया उनका फिरओन ने और उसके लश्करों ने बागियन सरकशी बगावत वादवन और ज्यादती दुश्मनी अदावत हता यहाँ तक के इज़ा जब अत रखो गको पालिया उसने गर्क होने को आलिया उसको गर्क होने या डूब जाने को आमन तू इन अन्ना इलाहा इला उसने कहा आमन तू मैं ईमान लाया अन्नाहू के बेशक वो ला इलाहा नहीं मबूद इलाह मगर अल्लाह जी वो जो आमनत भी बनू इसरो इला ईमान लाई है साथ उसके नहीं महबूद मगर वो जो ईमान लाई है आमनत ईमान लाई है भी साथ उसके बनू इसराइल बनी इसराइल व अना और मैं मिनल मुस्लिमीन, फर्मा बरदारों में से मुस्लिमों में से आल आना अब नाउ वक़द असुई था और यकीन फरमानी की थी तूने आइन स्वादिया और यकीन फरमानी की थी तू ने कबलू पहले से वकु तमिनल मुफसदीन और तू था फसाद करने वालों में से फलिया उमां बस आज के दिन नजी का हम निजात देंगे तुझको हम निजात देंगे हम बचा लेंगे तुझको भी बदनी का साथ तेरे बदन के साथ तेरे जिसम के लिथकू ना ताकि तू हो जाए लिमन वास्ते या लिए जो हल्फा का पीछे तेरे बाद में तेरे आया निशानी व इन्ना और बेशक सी बहुत से लोगों में से बहुत से लोगों में से अलबत्ता अन से और बेशक बहुत से लोगों में से अन से आयातिनना हमारी आया से ला फिलून हैं गफलत बरतने वाले हैं वाकद और अलबत्त यकीन बवना ठिकाना दिया हमने बा वाओ हमसा आबाद किया ठिकाना दिया हमने बनी इसरोला बनी इसराइल को मुब्वा ठिकाने की जगह आबाद होने की जगह रिस्क दिया हमने उनको और रि हमने उनको पाकिजा चीजों में से तोयब चीजों में से साफ सुथरी चीजों में से फमाख्ता लफू बस नहीं उन्होंने इख्तिलाफ किया बस नहीं उन्होंने इख्तिलाफ किया हता यहां तक के आके आप पास उनके इल इन्ना बेशक रब्बा का रब तेरा या कजुई वो फैसला कर देगा वो फैसला कर देगा भाई दरमियान उनके योम किया कयामत के दिन फी माँ कानू फी ही यख तालीफोन फी मा बीच जो कानू वो थे फी ही इसमें फोन वो इख्तिला करते थे फा इन पस अगर कोता है तो फी किन बीच किसी शक के बीच एक या किसी शक के मिम्मा से जो ना उतारा हमने नाजिल किया हमने इलाई का तरफ आपके फस अल फस सवाल कर ले पस्तु पूछ ले फस अजीना यून अल किताबा में काबली का पस्तु सवाल कर ले तू पूछ ले उन लोगों से जो या राऊना काफरा हमजा वो पढ़ते हैं वो किरात करते हैं किताब की मिन से क़बली का पहले से आपके लकद अलबत् यकीनन जा अकल हक को आ गया है पास तेरे अल हक मेरोपिका रब से तेरे फला तक नन्ना बस ना तू हो जा बस हरगेज ना तुम हो जाओ मिनल मुम तरीन शक करने वालों में से तकु ना और हर किस ना तुम हो जाओ न कस्तबू भी आया तिल्ला से अल्लाह जीना उन लोगों में से जो कस्तबू जिन्होंने झुटलाया जिन्होंने तकजीब की भी आया साथ अल्लाह की आयात को और आपको पता कि आयात का मतलब कुरान की आयत भी होता है निशानियां भी होता है मुजात भी होता है और ना तुम हो जाओ उन लोगों में से जिन्होंने झुटलाया साथ अल्लाह की आयत को फतेकू बस तू हो जाएगा खसारा पाने वालों में से इन लजीना बेशक वो लोग जो हकत हक हो गई अलैहिम ऊपर उनके बेशक वो लोग जो या जिन पर हक हो गए ऊपर उनके कलीमा तो रबिका बातें बात कलीमा तो बात तेरे रब की ला मनू नहीं वो ईमान लाते वलौजा अतुम अरगरा है पास उनके हर एक निशानी हता यहाँ तक के यहाल अलीम वो देख ले अजाब दर्दनाक फलौला बस क्यों नहीं कानत वो थी और यतुन कोई बस्ती आमनत वो ईमान लाई फनाफ आ पस नफा दिया उसको पस पायदा दिया उसको ईमान उहा ईमान उसका अमो यूनस मगर या सवाए कौम यूनुस लम्बा जब कभी वन एवर आ मनु वो ईमान ले आए कश्यफ नानाबलबात दुनिया कशफा का मतलब होता है किसी चीज़ को खोल देना खोल दिया हमने हटा दिया हमने उनसे अज़ाबल उनसे अज़ाबल अजाबल्खिजी अजाब, अजाब, अजाब रसवाई का अजाब रसवाई का फिलहत दुनिया दुनिया की जिंदगी में वमत्ता और फायदा दिया हमने उनको और नफा दिया फायदा दिया सामान दिया हमने उनको इलाहीन तरफ एक खास मुदत के व उ का और अगर चाहे रब तुम्हारा लाआ मना अलबत्ता ईमान ले आए मन फिल अर्ज जो भी जमीन के सबके सब के सब उनके जमीन सब के सब आफ आंता क्या पस्तु तुक्रे ना सा तू जबरन या ना चाहते हुए या कराहत से मजबूर करेगा लोगों को का हता यकुन मोमिन यहां तक के वो हो जाए ईमान लाने वाले वानसिन और नहीं वो है वास्ते किसी जान के और नहीं वो है वास्ते किसी जान के अनुमिना ये के वो ईमान ले आए अन ये के तो में ना वो ईमान ले आए इल्ला अब ला मगर या सवाए सात हु और वो बना देता है नापाकी को वो डाल देता है वो बना देता है नापाकी आल लजीना ला याकि ऊपर उन लोगों के जो नहीं वो अक्ल रखते कुलिन कह दीजिए तुम इंतजार करो तुम देख लो तुम इंतजार करो माता फिर समावाती वाल अर्द कुलिन तुम देखो तुम नजारा करो मुशाहिदा करो माजा क्या है या जो कुछ है फिर समावाती वाल अर्द बीच आसमानों के और जमीन के मा तोनील आया तो नहीं वो काम आती निशानिया व नतनबे की जाने वाली तमबीहा कमिन किसी कौम को ला नहीं वो ईमान लाते फहल पस क्या यंगूना वो इंतजार करते हैं याम लजीना खलऊ मिन क़ब्लिहिम मगर मिसाल मानिंद, तरह अयामिन दिनों के अलजीना वो जो खलऊ गुजरे मिन क़ब्लिहिम पहले से उनके यानी लोगों को इस बात का इंतजार है कि जो पिछली कौमों पर अज़ाब अच्छा आया था वैसे दिन तुम पर भी आ जाए कुलफे रूपस कह दो आप कह दीजिए बस तुम इंतजार करो इन्नी बेशक मैं बेश मार्लम तरीन मैं हूं तुम्हारे इंतजार करने वालों में से सुम्मा फिर नुनजी हम निचात देंगे हम बचा लेंगे रसुलना हमारे भेजे हु को हमारे रसूलों को वो लजीना मनु और वो लोगों को जो ईमान लाए हैं कजालिका इसी तरह हक का हकन हक है आलैना ऊपर हमारे नों जिलीन हम निजातें ईमान लाने वालों को कुल कह दीजिए या अयोहनासु ए लोगो तुम अगर हो तुम फी शकिन बीच किसी शक के मीनी दीन से मेरे फलाजीना फला बस फला नहीं मैं इबादत करता बस नहीं मैं इबादत करता नहीं मैं बंदगी करता अल्लाजीना उन लोगों की जो तार्बदूना तुम इबादत करते हो मैं अल्लाह से अल्लाह के सिवाए वाला किन और लेकिन किन मैं इबादत करता हूँ मैं बंदगी करता हूँ अल्लाह की जी वो ज़ात जो या तवफ़ा कुम वो फौत करेगा तुमको वो पूरा ले लेगा वो पूरा पूरा ले लेगा वो पूरा उठा लेगा या वो फौत करेगा कुम तुमको वह उमेर तू और मैं हुक्म दिया गया हूँ हमजा मीमरो और मैं हुक्म दिया गया हूँ अन अकू मिनल मोमिनीन ये कि मैं हो जाऊँ ईमान लाने वालों में से वाह और अन ये के आकिम तू कायम कर ले वजहा का चेहरा तेरा लिद्दीन हनी फन दीन के यक्सू होने वाला यक्सू वाला तकु नामिनल मुशीन और हर किस ना तू हो जा और हर किस ना तू हो जा शिर करने वालों में से वाला तु और ना तो पुकार और ना तो पुकार मिंदू ना ही से सिवाय या अलावा अल्लाह के माँ जो ला नहीं यू ओका वो नफा देता वो फायदा देता तुझको वाला या वर् रुका और नहीं वो नुकसान देता जरर देता तुझको फाइन फ़ाल ता बस अगर तूने किया बस अगर तूने किया व इन्ना का बस बेशक तू इजमीन तब अलबत्ता मों में से वसला हो भी जुर और अगर वो छुए तुझको अल्लाह वो मस करे वो छुए तुझको अल्लाह साथ किसी जरर के बाहवरा का मतलब है और अगर पहुंचाए तुझे अल्लाह साथ कोई नुकसान और अगर वो मस करे वो छुए तुझको अल्लाह साथ किसी जरर या नुकसान के फला काशिपा लहू फा पस ला नहीं काशिफा खोलने वाला हटाने वाला काफ शीन फा काशिफ दूर करने वाला खोलने वाला लहू वास्ते उसके इल्ला हुआ मगर वो वो ई का और अगर वो इरादा करे तुझसे या तेरे दाल और अगर वो इरादा करे तुझसे बखिर इंसात किसी भलाई का फला बस नहीं रौदा नहीं रद्द करने वाला हटाने वाला रद्द करने वाला लिफा ही अलबत्ता फजल उसका वही मैशा में ही वो पहुंचाता है वो पहुंचाता है जिससे वो चाहता है बंदों में से उसके वाहो अल्लापुर और रहीम और वो बख्शने वाला रहम करने वाला है कुलिया कह दीजिए लोगो जाक को मेरुआ बिकुम यकीन आ गया है पास तुम्हारे हक रब से तुम्हारे फम ने हदायत पाई बस जो हदायत पाएगा इन्ना बस बेशक सिर्फ या तदी वो हदायत पाएगा लीनाफ सी ही वास्ते उसकी नफ्स वास्ते उसकी जान के वोल्ला और जो भटक जाएगा जो गुमराह हो जाएगा व मा बस बेशक सिर्फ या झुल हा वो भटकेगा ऊपर उसके वो गुमराह होगा ऊपर उसके मई कुम्बे वकील और नहीं मैं ऊपर तुम्हारे साथ कोई वकील साथ कोई वकालत करने वाला व तबे और तुम पैरवी करो और तुम इतबा करो तुम पैरवी करो मायूहा इलाई का जो वो वही किया जाता है जो यू हा वो वही किया जाता है इले का तरफ आपके और पैरवी में क्या करोस्पर और सबर करो सबर करो जमे रहो डटे रहो कब तक करें यह यहाकुम अल्लाह यहां तक के वो फैसला कर दे अल्लाह यहां तक के वो फैसला कर दे अल्लाह वाह वाह के मेन और वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है सौल्लाजीम